हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चाइमू एवरीडे। फ्रेंड, आज मैं आपको झटपट से बनने वाली रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह काफ़ी टेस्टी होता है और खाने में हेल्दी होता है। यह बरसात के मौसम में ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि यह बरसात के मौसम में ज़्यादा फलता है। तो चलते हैं इसे बनाने। पोहे का साग बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर को गर्म की हुई हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी तेल डालेंगे। एक बड़ी चम्मच तेल है हमारा। तेल गर्म हो जाए तो एक लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे और गोल्डन ब्राउन करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, मैं तड़का लगा चुकी हूँ। अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा साग डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने पोहे के पत्ते का सिर्फ इस्तेमाल की हूँ, उसे अच्छे से धो ली हूँ और रफली काट ली हूँ। इसे एक दो मिनट ऐसे ही तेल के साथ भुनेंगे, फिर नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। नमक हम हल्का कम डालेंगे स्वाद अनुसार। जैसे पालक में हल्का नमक होता है, उसी प्रकार पोहे के पत्तों में भी नमक होता है। हमारा एक मिनट हो चुका है, अब इसे नमक ऐड करेंगे। यह नरम हो चुका है। मैंने पोहे को एक केजी ली थी, जो पत्ते निकलते हुए हमारे थोड़े से हो जाते हैं, तो मैंने ये पत्ते का इस्तेमाल किया। पत्ते को अच्छे से चेक कर धोकर इस्तेमाल करें क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारे कीटाणु भी इसमें होते हैं। तो अच्छे से धोकर काटकर इसे बनाएं और यह खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। देखिए, इसमें हल्का हल्का पानी हो गया है। हम इसे अब बंद कर देते हैं। तीन सीटियां लगाने के बाद इसे चेक कर लेंगे, ये बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड, अब हमारा साग बनकर रेडी हो चुका है। फ्रेंड, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए लिखें। ये वीडियो आप खुद देखें और दोस्तों में भी शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स फ्रेंड।